नमस्कार, मैं हूँ शिल्पा पाठक। बिहार आवन में आपका स्वागत है। आज 31 जुलाई और बढ़ते बिहार की 25 बड़ी खबरें की ओर। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में पटना जोन का 99% प्लस रिजल्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कल शुक्रवार 2 बजे के बाद 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया। पटना जोन का रिजल्ट 99% रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 99.37% परीक्षार्थी शामिल हुए थे। छात्रों की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों के 99% से अधिक होकर 99.67% रहा। परीक्षार्थी अपने रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cbserizult.nic.in पर या फिर cbse.nic.in या cbse.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। विविध को इस बार कोरोना वायरस संक्रमण के बाद सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा नहीं ली थी। इस कारण से रिजल्ट स्कूलों के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित कर दिया गया। स्कूलों ने विद्यार्थी के साथ ही अंक 25 जुलाई तक बोर्ड को भेज दिए, जिसके बाद रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा था। पटना जोन में आने वाले तहत बिहार व झारखंड के 1100 स्कूलों के करीब 1,00,000 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए थे। उत्तर मध्य रेलवे 10वीं पास व ITI कोर्स करने वालों को मौका। कोरोना वायरस के संकट काल में कई बार रोजगार छीना गया, जी हां, हर किसी का कामकाज प्रभावित रहा। ऐसे में परेशान बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर मध्य रेलवे की ओर से प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में अप्रेंटिस के लिए करीब 1664 आवेदन मांगे गए थे। इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती होगी। 10वीं कक्षा पास होने के बाद भी ITI कोर्स पूरा करने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका। जी हां, अभ्यर्थी भर्ती संबंधित अधिक जानकारी के रेलवे रिक्रूटमेंट रेल के साथ प्रयागराज की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। 2 अगस्त से ऑनलाइन होने वाली प्रक्रिया की इसी वेबसाइट पर होगी। अंतिम तिथि पर सितंबर निर्धारित की गई है। आधारित आरक्षित वर्ग को निम्न स्वर आयु में छूट भी दी जाएगी। HURL में निकली 500 ज्यादा पर वैकेंसी। हिंदुस्तान उर्वरक व रसायन लिमिटेड ने अप्रेंटिस ऑपरेटर टेक्नीशियन लैब सहायक लेखाकार स्टोक सहायक के साथ ही भर्ती के लिए एक संक्षिप्त अधिसूचना प्रकाशित किया है। अमोनिया यूरिया इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक स्टोर फाइनेंस क्वालिटी इक्वायरमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल जैसे विभिन्न विषयों के लिए 513 वैकेंसी निकाली गई है। संक्षिप्त अधिसूचना के अनुसार पदों के लिए 0 से लेकर 15 वर्ष के अनुभव के साथ ही डिप्लोमा ग्रेजुएशन जैसी शैक्षणिक योग्यता मांगी गई। भर्ती के बारे में अन्य विवरण जैसे पत्रता वेतन आयु में वैकेंसी डिटेल चयन प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया HURL की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत अधिसूचना जारी होने के बाद उपलब्ध होगी। इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि या अंतिम तिथि की विस्तृत अधिसूचना में भी देखी जा सकेगी। रेलवे में निकली स्पोर्ट्स कोटा के तहत वैकेंसी। रेलवे रिक्रूटमेंट रेल के साथ ही RSC वेस्टर्न रेलवे ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार 4 अगस्त 2021 से rse.orwr.com पर ऑनलाइन मोड से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 3 सितंबर 2021 है। वेस्टर्न रेल में स्पोर्ट्स कोटा के तहत ग्रुप सी के 21 पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। 18 से 25 वर्ष के उम्मीदवार पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकारी मापदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट होगी। पदों के लिए ग्रेजुएशन और 12वीं पास जैसी योग्यता मांगी जाए। उम्मीदवार पदों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता का विवरण और न्यूनतम स्पोर्ट्स योग्यता की मापदंड अधिकारी सूचना में देख सकते हैं। कल भी देश भर में मिले 44,230 मामलों में आधे केस केरल से। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर देश के केरल के जरिए दस्तक देगी। जी हां, यह सवाल इसलिए उठने लगा है कि लगातार तीसरे दिन केरल में 20,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। एक बार फिर से राज्य में 22,6400 केस मिले हैं, जो देश भर में नए संक्रमितों की संख्या में 44,230 मामले का ठिकाना है, जिसमें शुक्रवार सुबह आए दिन बाद एक दिन के डेटा के मुताबिक देश में 24 घंटे में 42,307 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जबकि 44,330 लोग संक्रमित, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 4,55,155 हो गई, जिसमें से कुल केसों के मुकाबले अब देश के सक्रिय मामले 1.28% होगी। हालांकि अब ये डेली और वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम पर बना हुआ है। बिहार में कोरोना मुक्त हुए 3 जिलों में नए संक्रमण। बिहार में कोरोना का आंकड़ा भले ही गिर गया, लेकिन खतरा बढ़ता ही दिख रहा है। जहां कोरोना फ्री होने वाले जिले फिर से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बक्सर, जहानाबाद और बांका पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया था, लेकिन नए मामले आने से संक्रमण फैल रहा है। अब गया एकमात्र जिला है जहां पे कोरोना फ्री हुआ, लेकिन 3 जिलों की तरह लापरवाही हुई तो फ्री से कोरोना बढ़ सकता है। बिहार में 24 घंटे में जांच घटाई जा रही, जिसके बाद ही संक्रमण के मामले भी अब कम हो रहे हैं, जिसमें से 14,03,658 लोगों की जांच में 46 लोगों में संक्रमण पाया गया है। अवैध बालू खनन रोकने के लिए पुलिस ने अनूठी तकनीक अपनाई, नाव से बनाया बैरियर। सोन में लगातार छापेमारी के बावजूद बालू के अवैध खनन के लिए देर शाम से अलहे सुबह तक नाव में अंधाधुंध परिचालन को लेकर प्रशासन ने नई तकनीक निकाली है। जी हां, 10 रुपए के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। कोइलवर के पुराने पुल के 10 नंबर पाए में सबसे गहरा होने के कारण ज्यादातर नाव इसी रास्ते से जाती। गुरुवार को प्रशासन ने जब्त 7 नावों को 10 नंबर पाए के साथ ही पास लिया पुलों के बीच कुछ हिस्सा डुबोकर अवरोधक दिया। मछुआरों ने बताया कि पुल के बाकी हिस्सों में कम गहराई होने के कारण बालू नदी नावों से निकलने में खतरा हो जाएगा। नाव के नीचे लगी प्रोपेलर व पंखी तल में भी अवरोधक से टकराकर ट्रैक्टर खाकर टूट सकती है और नाव टूट सकती है। वहीं दूसरी ओर रोक के बाद भी नाव से बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए सोन नदी में गुरुवार को फिर से भोजपुर पुलिस प्रशासन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान 6 नावें जब्त की गई। 34 धंधेबाज व मजदूर को गिरफ्तार किया गया।
पटना में डिप्टी मेयर को गंवानी पड़ी अपनी कुर्सी। पटना की डिप्टी मेयर मीरा देवी की कुर्सी शुक्रवार को चली गई। जी हां, अपने दावे से उलझ जुदाई आंकड़े को उनका गुट छू ना सका। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 38 मत पड़े थे जबकि विपक्ष में केवल 2 वोट दिए गए, 14 मत रद्द कर दिए गए, जिसमें बाकीपुर अंचल सभागार में हुई विशेष बैठक में 54 पार्षदों ने अपने मतों का प्रयोग किया। इस दौरान वार्ड 28 की विनय कुमार पप्पू और वार्ड 39 की रचना राय ने बहिष्कार किया। अविश्वास प्रस्ताव पर विशेष बैठक को लेकर बाकीपुर अंचल कार्यालय के सभागार में 100 मीटर के परिधि में अनुमंडल पदाधिकारी नितिन कुमार सिंह ने धारा 144 लागू कर दी थी। शुक्रवार की सुबह 7 बजे से विशेष बैठक समाप्त होने पर धारा 144 लागू रही। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विशेष बैठक हुई। पुलिस को जल्द मिलेंगे 2000 नए सिपाही। थानों का होगा अपना भवन। बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को पत्र लिखकर भूमिहीन थानों के लिए जमीन चिन्हित करने को कहा है। राज्य में 97 थानों में और 47 ओपी भूमिहीन होंगे। इसके लिए पहले सरकारी जमीन चिन्हित करने का कहा गया। सरकारी जमीन नहीं मिलने पर जमीन की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही एसपी को जवाबदेही देगी। गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि 2000 से अधिक सिपाही बहाली की प्रक्रिया चल रही है। विज्ञापन के लिए निकाला जा चुका है। इसे बहाली के अंतर्गत खेल कोटा से 20 और दूसरे पुलिस कर्मियों के लिए 97 पद पर भरे जाएंगे। वे गुरुवार को विधान परिषद में ललन कुमार सरफराज के प्रश्न पर सवाल का पक्ष रख रहे थे। कटिहार नगर निगम मेयर हत्याकांड, पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। कटिहार नगर निगम के मेयर शिवराज पासवान हत्याकांड मामले में शहर का माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। घटना की तस्वीर को लेकर पुलिस महानिरीक्षक पुलिया सुरेश प्रसाद चौधरी दलबल के साथ घटनास्थल पहुंच कर घटना की छानबीन की। साथ ही दिग्विजय मेयर की पत्नी मंजू देवी से मुलाकात की, घटना की जानकारी ली। आईजी ने कहा कि मेयर शिवराज हत्याकांड में शामिल 4 नामजद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस मामले की तस्वीर में जुट गई थी। घटना को लेकर अलग अलग बिंदु पर जांच की जाई थी। एसपीडी ट्रायल चलाकर आरोपियों को सजा दिलाई जाएगी। जाति जनगणना को लेकर सियासत तेज। विपक्ष ने किया प्रदर्शन। कल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन रहा था। जी हां, कल भी विधानसभा के अंदर विपक्षी दलों का विशेष विरोध प्रदर्शन जारी है। विधेयकों ने जाति जनगणना को लेकर शुक्रवार को विधानमंडल के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया। इस मुद्दे पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी हंगामा देखने को मिला। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले राजद कांग्रेस और मालेवी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इस मुद्दे को लेकर थोड़ी देर तक भाजपा और जेडीयू के विधायक ने आमने सामने दिखाई दिए। विधान परिषद में एक तरफ भाजपा के एमएलसी संजय पासवान जाति जनगणना का विरोध कर रहे थे तो वही जेडीयू के श्रवण कुमार इसका समर्थन कर रहे थे। श्रवण कुमार ने जनजाति जनगणना को का समय की मांग बताई। इन्होंने बताया कि यह होने के समाज के सभी वर्गों को उनकी संख्या के हिसाब से उनका वाजिब हक मिलेगा। वहीं संजय पासवान ने कहा कि जाति आधारित जनगणना की जरूरत नहीं, इसके साथ पर गरीबों की गणना होनी चाहिए। गया में निर्जरा नदी में जहां निर्माणाधीन पुल, गया के धोबी प्रखंड के कुचवारा वरिया गांव के पास निर्जरा नदी पर बन रहा पुल मुलाबी मामली बाढ़ में ही नदी में भरभरा कर बह गया। जी हां, यही वह पुल है जो पिछले 6 साल से बन रहा था। अब तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका। निर्माण कार्य के नाम पर अभी तक नदी में 16 पिलर ही रखे हुए थे। पुल के स्ट्रक्चर के नदी में भरभरा कर गिरने की खबर चारों ओर फैल गई। जिस वक्त यह पुल ढह गया, किसी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल से बना लिया। अब यह वीडियो पूरे इलाके में शेयर किया जा रहा है। पति पत्नी के झगड़े में पुलिस का सिर फूटा। आर्या के फारवेसगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटेल चौक के पास पति पत्नी के बीच विवाद उलझने के लिए पुलिस को आपस में लड़ पड़े। पति पत्नी के कोर्ट भाषण का शिकार बनना पड़ा। पत्नी ने सब इंस्पेक्टर का सिर फोड़ डाला जबकि पत्नी ने गश्ती ड्राइवर को उठाकर पटक दिया। इस घटना सब इंस्पेक्टर राम बाबू समेत 2 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए। इस मामले में फारवेसगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के हत्या चोरी चोर गिरोह तोड़ चुके हैं पटना के 45 घरों का ताला। शास्त्री नगर थाना पुलिस के हत्या चोरी चोर गिरोह के तीनों शातिर पिछले 8 माह में 45 से अधिक घर और फ्लैट का ताला तोड़ लाखों रुपए का सामान चुरा ले गया। चोरी की ज्वेलरी को भी पटना में ही 2 सराफा कारोबारी को बेच देते। उस कारोबारी की पुलिस ने पहचान भी कर ली है। तीनों के पास बरामद एक कार और एक पिकअप वैन भी चोरी के बेचे गहने खरीदी गई है। उसी गाड़ी से तीनों चोरी करते थे। गिरोह पिछले 6 माह में शास्त्री नगर में 12 चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके। घटनास्थल का सत्यापन कराने के लिए तीनों के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई है। तीनों गिरफ्तारी फुटेज के आधार पर हुई है। कपड़ा में सैकड़ों रसेल वाइपर निकलने से दहशत। शरण में दुनिया भर के सबसे जहरीले सांपों की प्रजाति में से एक शरण वाइपर के मिलने से लोग दहशत में। जी हां, बिहार के सीमा स्थित जयप्रभा सेतु के अप्रोच रोड के किनारे बेतरतीब ढंग से चिपकाए गए बुलडोजर के भीतर रसेल वाइपर मिले थे। जी हां, लोगों का कहना है कि अप्रोच रोड पर मिट्टी के शरण को रोकने के लिए बुलडोजर पिंचिंग करवाई गई जिसके नीचे इन सांपों ने बसेरा बना लिया। इस रोड पर दिन रात सांप कभी भी सांप रेंगते नजर आते हैं। जयप्रभा सेतु के आसपास के गांव के लोगों का आरोप है कि संभवित विभागीय ठेकेदार के द्वारा बोल्डर पंचिंग में अनियमितता बढ़ती जाती थी जिस वजह से हर एक साल सरयू में आने वाली बाढ़ व बरसात में बोल्डर इधर उधर लुटक जाती थी। बिछाए गए बोल्डर की साथ झाड़ झरझार का सामान्य उपस्थित हो जाता। इसी वजह से यह इलाका
चलीस के साथ ही वाइपर सांपों का सुरक्षित रैन बसेरा बन गया है। हावड़ा स्टेशन आसपास जल जमाव, 3 ट्रेन का परिचालन रद्द। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण पिच पेमेंट लाइन व हावड़ा एरिया में जल जमाव के कारण हावड़ा से खुलकर पूर्व मध्य रेल से गुजरने वाली कुछ ट्रेन के परिचालन में बदलाव किया गया। कुछ ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया गया जबकि कुछ ट्रेन के समय में बदलाव किया गया। 30 जुलाई को हावड़ा से खुलने वाली 02323 अब हावड़ा नई दिल्ली स्पेशल 02533 हावड़ा लालकुआ स्पेशल और ट्रेन के साथ ही आद्रा से खुलने वाली 08013 आद्रा बोकारो सिटी स्टील स्पेशल के परिचालन को कैंसिल कर दिया गया। जेडीयू में लागू होगा वन पोस्ट वन पर्सन का फॉर्मूला। बिहार के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोर पकड़ चुकी है जहां जनता दल यूनाइटेड में वन पोस्ट वन पर्सन का फॉर्मूला लागू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं के द्वारा इसको लेकर अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। मीडिया सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 31 जुलाई को दिल्ली के जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आरसीपी सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे चुके हैं, साथ ही दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि बैठक के लिए सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली रवाना हुए। 15 दिनों के अंदर इस जिले का हर गांव बन जाएगा डिजिटल। जी हां, पुलिया के जिले के हर गांव 15 अगस्त से डिजिटल हो जाएगा। ई ग्राम स्वराज योजना के तहत संख्या के यहां 13,1700 गांव में हाई इंटरनेट से सुविधा मिल जाएगी। योजना के तहत 2 प्रखंड पुलिया पूर्व और कैनगर को छोड़कर शेष 14 प्रखंडों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लेगा। जी हां, साथ ही जिले में 654 सरकारी भवनों में हाई इंटरनेट कनेक्शन भी दे दिया जाएगा। उप विकास आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि 15 अगस्त तक यहां के प्रत्येक गांव को हर घर पर FTTH के द्वारा हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा लाइव उपलब्ध दी जाएगी। साथ ही संपूर्ण जिला पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। ग्राम पंचायत डिजिटल बनाने के लिए भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज योजना से लॉन्च कर रही है। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फाइबर टू होम केबल से लेकर लोगों के घरों या हाई स्पीड इंटरनेट सेवा सुविधा कराई जाएगी, जिससे गांव में लोगों को इंटरनेट सेवा के लिए प्राइवेट मोबाइल कंपनियों पर आश्रित नहीं होना होगा। ग्राम पंचायत को डिजिटल बनाने के भारत सरकार ने ई ग्राम स्वराज योजना लॉन्च कर दी है। इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से फाइबर टू होम केवल से घरों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट सेवा सुविधा कराई जाएगी। इससे गांव के लोगों को इंटरनेट सेवा के लिए प्राइवेट मोबाइल कंपनी पर आश्रित नहीं होना होगा। लंबित वारंट कुर्सी पर ससमय कर निष्पादन SP बसनवी थाना परिसर शुक्रवार को सिमरी बकियापुर अनुमंडलीय क्षेत्र के थाना OP के पुलिस पदाधिकारी के साथ SP लिपि सिंह की लंबित कांड की समीक्षा बैठक। इस दौरान SP ने विधि व्यवस्था का बैठक ढंग से साधारण करने, नागरिक सुरक्षा को बढ़ाने तथा अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पुलिस पदाधिकारी को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया, जबकि अनुसंधानकर्ताओं को लेकर कांड का ससमय निष्पादन करने की हिदायत देते हुए लंबित हत्या लूट जैसे सख्त मामले आरोपी की गिरफ्तारी तथा वारंट कुर्सी का निष्पादन ससमय करने को कहा है। उत्पाद विभाग ने 1200 लीटर स्पिरिट और 40 बोतल बियर किया जब्त। उत्पाद विभाग ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई कर शराब निर्माण में प्रयुक्त 1200 लीटर स्पिरिट्स सहित बियर की खेप को जब्त कर। जहां शुक्रवार अलग सुबह की कार्रवाई के दौरान धंधेबाज 2 को गिरफ्तार किया गया। पहली कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर किशनगंज बहादुरगंज पथ स्थित कदम रसूल के समीप की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने सूचना के आधार पर कदम रसूल के निकट जाल बिछा कर किया था। इस दौरान किशनगंज की दिशा से तेज रफ्तार पर आए पिकअप संख्या BR6GC3863 को जब्त करके रोकने का इशारा किया तो चालक ने वाहन की रफ्तार तेज कर दी, लेकिन मौके पर मौजूद जवानों ने इसे पकड़ लिया। वाहन की तलाशी किए जाने पर 6 ड्राम में भरा 1200 लीटर स्प्रिट बरामद कर लिया गया। टीम ने मुजफ्फरपुर जिले बिहटा स्टोर निवासी चालक मुकेश कुमार राय को गिरफ्तार कर लिया। जब्त स्प्रिट को बंगाल के चालकोला के कोचाधामन बहादुर गंज अरैया के रास्ते मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था। समन्वय और जानकारी से मानव तस्करी रुक सकती है किशनगंज। समन्वय और जानकारी से लेकर मानव तस्करी रुक सकती है, जी हां, इसको लेकर सभी सजग और सतर्क रहने की जरूरत है। ये बातें महिला हेल्पलाइन सब वन टॉप सेंटर के सभागार में विहान संस्था के द्वारा आयोजित की गई अध्यक्षता के कहते हुए मुख्यालय DSP अजय कुमार चौहान के अंतर्राष्ट्रीय मानव व्यापार अनुमय दिवस के मौके पर आयोजित कर्ता परिवर्चा के साथ ही संस्था के द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम, मानव तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान सहित पीड़िता के पुनर्वास के लिए किए जा रहे प्रयास की सराहना की गई। सहायक निदेशक बाल संरक्षण इकाई ने कहा कि सामान्य रूप से पीड़िता को विलुप्त करने के साथ ही पुनर्निर्माण के साथ ही समाज की मुख्य धारा को जोड़ने के प्रयास संस्था का मजबूत से सराहनीय पक्ष है। श्रम अधीक्षक मानदेय ने अन्य शहरों से विमुक्त बच्चों की चर्चा करते हुए इन बच्चों के परिवार को चिन्हित कर सरकार प्रावधान के अनुसार अनुदान की राशि देने की बातें कही। बारिश का अलर्ट रोहतास, भभुआ और औरंगाबाद में ऑरेंज अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने 24-48 घंटे पूरे बिहार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया। राज्य में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी जबकि दक्षिण बिहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। पटना, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, नालंदा में भी भारी बारिश की संभावना जताई जा रही। मौसम विभाग ने आम लोगों में
खराब मौसम सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने पटना सहित अधिकांश जिलों में बारिश को अलर्ट किया है। साथ ही मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई के बाद मौसम में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। विटामिन सी से भरपूर चीजों को जरूर करें अपने डाइट में शामिल। कोरोना वायरस महामारी ने सभी को सेहत के प्रति सतर्क बना दिया है। लोग कोविड के साथ अन्य बीमारियों से खुद की सुरक्षा करने के लिए अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। इसको लेकर रोजाना व्यायाम से लेकर हेल्दी डाइट पर फोकस कर रहे हैं। एक्सपर्ट भी लोगों को प्राकृतिक तरीके से अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे फल और सब्जियां खाएं जो विटामिन सी से भरपूर हो, ताकि आप मौसम वाले संक्रमण और वायरल अटैक से बच सके। संतरे विटामिन सी के अलावा फाइबर, थियामीन और पोटेशियम पदार्थों से भरपूर होता है। साथ ही ग्लिसरेमिक इंडेक्स में भी कम होता है। इसका मतलब ये डायबिटीज और मोटापे से पीड़ित लोगों के लिए बेहद फायदेमंद खास फल है। नींबू विटामिन सी और सिट्रिक एसिड से भरपूर नींबू इम्यूनिटी को मजबूत करती है। इसमें मौजूद सिट्रिक एसिड शरीर के फैट्स को घटाने का काम करती है। यहाँ तक कि वजन कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इसे रोजाना खाली पेट गुनगुने पानी में शहद के साथ मिलाकर पीना चाहिए। पपीता अपने नेचुरल लैक्सेटिव गुणों की वजह से जाना जाता है, जो पाचन को अच्छा बनाए रखने में मददगार साबित होता है। इसके साथ ही पपीता विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत है। पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर के डिटॉक्स को मदद करते हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में से बहुत से जिसने हमें कमेंट करके दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर्स के जवाब अच्छे लगे उनके नाम है राहुल, सुप्रिया और मनीषा। आप हमारे सवाल का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, क्या एजी की तरफ से जारी ऑडिट रिपोर्ट से राज परिवहन निगम की पोल खुल गई है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। कल की खबरों के लिए हमारे साथ जरूर रहे। अगर ये वीडियो आप हमारे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।